साथ महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष पवन चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आज महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर क्या कहना है। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी प्राइम 24 न्यूज पर, क्या कुछ कहना चाहोगे महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर भगवान वाल्मीकि क्रिकेट महोत्सव को कवरेज करने आए हैं। आपका दिल की आनंद गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि क्रिकेट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे आराध्य देव भगवान वाल्मीकि का क्रिकेट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूरे वाल्मीकि समाज एवं सर्व समाज के लोग बना रहे हैं और सभी रूटों से विभिन्न विभिन्न रूटों से हम लोग वाल्मीकि क्रिकेट महोत्सव की झांकियाँ करीब 70 से 80 झांकियाँ मेले में चल रही हैं और पारंपरिक तरीके से हमारा मेला सुचारू रूप से चल रहा है। वाल्मीकि महापंचायत के नेतृत्व में बड़ा सफल आयोजन किया गया है और भगवान वाल्मीकि क्रिकेट महोत्सव हम लोग बड़े सफल तरीके बना रहे हैं। हम लोगों ने प्रशासन द्वारा बड़ी हमें सुरक्षा दी गई है, प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं, पुलिस प्रशासन का जो दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं इस मेले को सफल बनवा रहे हैं। पवन जी यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछली बार से इस बार जो वाल्मीकि समाज की एकता वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी तादाद में देखी जा रही है। ये युवाओं का जन संदेश है और युवाओं को वाल्मीकि महापंचायत ने मौका दिया। मैं एक युवा हूँ इसलिए युवा और बुजुर्गों का मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में वाल्मीकि समाज रोडों पर उतर के भगवान वाल्मीकि का प्रकट महोत्सव बना रहा है।